हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक टेस्ला कॉइल किट को असेंबल करने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, इस किट के साथ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ रजिस्टर एलईडी और कुछ यहाँ पे कैपेसिटर देखने को मिलता है। ये फ्रेंड्स एक हीट सिंक है जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर लगने वाला है। यहाँ पर एक डीसी सॉकेट है और यहाँ पे फ्रेंड्स एक हमें पीसीबी देखने को मिलती है, जो कि डिज़ाइन पीसीबी है फ्रेंड्स, पहले से ही डिज़ाइन किया गया है इसमें। और एक ट्रांजिस्टर फ्रेंड जो हमारे हीट सिंक में लगेगा। और ये फ्रेंड्स एक हमारा पुश ऑन पुश ऑफ स्विच है और एक हमारे पास कॉइल्स है। पर सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस जो हीट सिंक है उसमें ट्रांजिस्टर को इस तरह से यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देंगे। इस तरह पे हमारा ट्रांजिस्टर इस हीट सिंक में लग जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये पीसीबी को लेंगे और इसमें इस तरह से स्क्रू से हम इसकी लेग को इस तरह से टाइट कर देंगे। इस किट के साथ फ्रेंड्स हमें चार लेग मिलती हैं जो कि इस पीसीबी में फिट होंगे, ताकि हम इसको ज़मीन पे स्टैंड करके रख सकते हैं। चलो पहले इन चारों लेगों को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों लेग को यहाँ पे फिट कर दिया है। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमारा डीसी सॉकेट यहाँ पे लगेगा, जिससे हम इसको पावर देंगे। अब यहाँ पे जो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच रहेगा फ्रेंड्स, वो हमारा यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 पिन है, तो 6 पिन पे ही हमारा ये स्विच लगेगा। यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ होगा, वहाँ पे हमारा कैपेसिटर लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 10K लिखा हुआ फ्रेंड, तो ये हमारे पास 10K का एक रजिस्टर है। यहाँ पे दो रजिस्टर मिलते हैं हमें किट के साथ, तो हम एक ही यूज़ में लेने वाले हैं, तो एक ही हमारा यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं रजिस्टर भी लगा दूंगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो, उसे हम इस तरह से यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर भी हमारा इस तरह से फिट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा सा प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे एलईडी लगने वाला है। यहाँ पे देखेंगे जो एलईडी में बड़े वाला लेग होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए वो हमारे प्लस में लग जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे एलईडी फिट हो जाएगी। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉइल है हमारे पास। कॉइल का जो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, वन साइड का लेग हमारा, ये जो कॉइल में वन साइड का वायर है वो हमारा यहाँ पे टी के जगह पे फिट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। चलिए पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको एलईडी को, इन जो हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं इनको सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने के लिए फ्रेंड्स, पहले मैं इस तरह से इसको पकड़ के रखता हूँ और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम सोल्डिंग लगा देंगे, ताकि ये एकदम एक जगह पे फिट हो सके, तब आके आसानी से हम आगे की सोल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स में सोल्डिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सोल्डरिंग हमारा हो गया है। अब हमारा कॉयल में सोल्डरिंग करने के लिए रह गया है, तो पहले हम इस कॉयल का जो ये वाला एक लेग है उसको यहाँ पे टी की जगह पे यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। इस तरह से इसको अटैच कर देंगे फ्रेंड, और यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। जब ये वायर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा फ्रेंड, तो हम इस कॉयल को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सुपर ग्लू लगाएंगे फ्रेंड्स हम, और इस कॉइल को हम यहाँ पे इस तरह से चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यह कॉइल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चिपक गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि यह वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर ले रहा हूँ। इसको पहले मैं यहाँ पे पावर में लगा देता हूँ। दोस्तों, इस सर्किट में हमने पावर दे दिया है। अब इसके स्विच को हम ऑन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। यहाँ पे देखिए लाइट हमारी ऑन हो गई है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, जो कॉइल में हमारा पास एक साइड का वायर बच जाता है उस पर देखेंगे यहाँ पे फ्लेम जनरेट हो रही है। यहाँ पे देखेंगे हमारा चिमटी में ये फ्लेम एकदम से पकड़ रहा है इसको।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक छोटा सा बल्ब ले रहा हूँ जो कि इस किट के साथ मिलता है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब में भी ट्रांसफ़र हो रही है, देखेंगे कितनी दूर तक भी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से इस टेस्ला कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।